हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्टाफ की कमी और यूनिट हॉल का पुनर्निर्माण होने के कारण बंद हुई बर्न यूनिट का खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। जी हां, दरअसल बर्न यूनिट बंद होने के कारण गंभीर रूप से झुलसे एक बच्चे के पिता को भीषण गर्मी में बच्चे को लेकर सड़कों पर भटकना पड़ा और इस दौरान बहादुर सिंह नामक युवक अपने बच्चे को लेकर जंक्शन बस स्टैंड पहुंचा और गंभीर रूप से जले हुए बच्चे को एक दुकान के आगे लिटा दिया और इस पर मानवता दिखाते हुए दुकानदारों ने एम्बुलेंस से बच्चे को वापस जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बर्न यूनिट बंद होने के बावजूद बच्चे को भर्ती करके उसका इलाज शुरू किया। आज एक बच्चा जो आया, मुझे ये बताया गया 12 बजे के बाद में फोन आया कि ये बच्चा है जो ये जाना नहीं चाहते हैं और इनको जबरदस्ती भेजा है। मैंने खुद उसका पता किया, ड्यूटी डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर दीपक जी यूनिट में बच्चा था उनसे बात करी तो पता लगा वो बच्चा सुबह आया था, उसको रेफर कर दिया गया था, वो यहाँ से चले गए थे। उसके बाद वापस आए, फिर वो मुझे बताया गया कि उसके पास पैसे नहीं है, गरीब है। तो हमने उनको बता दिया कि अगर यहाँ रहो तो हमारे पास बर्न यूनिट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम रह सकते हैं। फिर उनको बीकानेर रेफर करना था, बीकानेर हमें 108। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।